नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात हमलावरों ने भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की हत्या कर दी। घटना कौशाम्बी थाना इलाके के उरई अशरफपुर गांव की है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को शव के पास से एक लेटर बरामद हुआ है, जिसमें भट्टा मालिक के खिलाफ रंगदारी नहीं देने पर मजदूर की हत्या करने के बारे में लिखा गया है। आपको बता दें कि लेटर में चित्रकूट के बिहड़ में रहने वाले 5 लाख का इनामी बदमाश बबली का नाम लिखा है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन की कार्रवाई को शांतिप्रिय ढंग से चलाने का सत्ता पक्ष और विपक्ष से आग्रह किया। राजीव बिंदल ने कहा कि सत्र छोटा है, इसलिए दोनों पक्षों से सदन की कार्रवाई को जनहित में चलाने की अपील की गई है। और राज्यपाल के जो पूरा साल सरकार ने किया है, एक साल के दौरान उसकी समीक्षा करना, अब क्या दिल्ली से आया, केंद्र में सरकार आखिरी बजट पेश कर चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को क्या मिला, खासतौर पे नेशनल हाईवेज का इशू बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि गडकरी जी आए थे विधानसभा इलेक्शन से पहले और उन्होंने कहा था कि 69 नेशनल हाईवेज बनाएंगे, 65,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, अंतिम बजट में भी कोई जगह नहीं मिली है और सारा बजट हमने टटोल के देख लिया, लेकिन नेशनल हाईवेज को कोई जगह नहीं मिली है। आज भी हमारे नेशनल हाईवे 2200 किलोमीटर ही हैं। राज्य सरकार की पहल से पूर्व राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ा के प्रधानाचार्य ने स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाकर स्टाफ की उपस्थिति शुरू की है। जाधरियाबाद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ा में स्थानीय स्टाफ और प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने DO प्रतापगढ़ से बायोमेट्रिक मशीन से स्टाफ की उपस्थिति की स्वीकृति प्राप्त कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया है, जिससे समाज में शिक्षकों के प्रति उचित सम्मान मिल सके। पाली में आमजन को यातायात नियमों की जानकारी के उद्देश्य को लेकर परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन कर जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस अभियान के तहत आज शहर भर में वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान वाहन रैली को जिला कलेक्टर और DTO ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने अपने वाहनों पर यातायात नियमों के पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवहन विभाग अधिकारी सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के फरीदाबाद में 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं थीम स्टेट महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कलाकार भी अपनी पालकी डांस के जरिए मेले में आए लोगों का दिल जीत रहे हैं। बता दें कि पालकी डांस होली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें 15 से 20 कलाकार करीब 90 किलो की पालकी को उठाकर ढोल नगाड़ों और शहनाई के साथ नृत्य करते हैं। नोएडा में कई सालों से बिल्डर कंपनी को अपनी सारी जमा पूंजी देने के बाद भी बिल्डर द्वारा घर न दिए जाने के एलिगेंट बिल्डर कंपनी के होम बायर्स का गुस्सा फूट पड़ा, जब बिल्डर कंपनी के सैकड़ों होम बायर्स ने कंपनी के एक डायरेक्टर को बंधक बना लिया और उसे दूसरे डायरेक्टर के घर पर लेकर पहुंचे, जहाँ काफी हंगामा हो गया, जिसके बाद काफी हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि 2012 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का निर्माण कब पूरा होगा, इसको लेकर बायर्स बेहद ही परेशान है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बायर्स और बिल्डर्स के बीच समझौता कराने का प्रयास किया।
विरोध चल रहा है, ये एलिगेंट विले नाम का प्रोजेक्ट है जो नोएडा एक्सटेंशन में है, और इन्होंने करीब 6-7 साल पहले हम लोगों ने घर बुक कराए हैं यहाँ पे, और करीब 800 से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा हो रहा है। पहले तो इनका हवाला था कि नहीं जी ये पे स्ट्राइक हो रही है, पहले अथॉरिटी का कुछ पंगा बता दिया, हर 2-3 महीने में ये डेट देते जा रहे हैं कि जी हम आपको घर की पोजीशन दे देंगे, और इन्होंने वहाँ पे एक एक फ्लैट को 3-3 लोगों को बेच रखा है, और कई बैंक से जो इन्होंने लोन ले रखा है उन लोगों ने न्यूज में निकाल दिया है न्यूज पेपर में कि एनपीए हो चुके हैं, वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है कि जी हम कोई खरीद फरोख्त हमसे होगी इनसे नहीं होगी। इनका कहना है कि जी हमारा पार्टनर हमारा फोन नहीं उठाता, मैं क्या करूं, साइट पे कोई वर्क नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं, हमारे घर से हमारी किस्त जा रही है, बच्चों की फीस जा रही है, हमें घर नहीं मिल रहा है, और कुछ पता ठिकाना नहीं मिलेगा कब, बस सिर्फ आश्वासन हो रहे हैं। रेरा का कोई सपोर्ट नहीं है, रेरा में इन्होंने रजिस्टर करा रखा है अपने आप को, बट रेरा भी वहां पे इनका जो कहना है वो सिर्फ फर्जी है, कोई भी उसका जवाब नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर नगर पालिका के रानीखेत रोड पर किए गए सौंदर्यकरण को लेकर कुछ वाहन स्वामी और ठेले वाले शान में बट्टा लगा रहे हैं, और नगर पालिका प्रशासन इन दबंगों के आगे बेबस नजर आ रहा है। बता दें कि रामनगर का मुख्य मार्ग रानीखेत रोड के नाम से जाना जाता है, यहां पर बने फुटपाथ पर नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च करके सौंदर्यकरण किया है, जिस पर ठेले वालों और शराबियों ने कब्जा जमाया हुआ है। नगर पालिका ने सौंदर्यीकरण किया, फुटपाथ बनाया, लेकिन ये फुटपाथ जो है आम नागरिकों के लिए न होकर ये वाहन स्वामियों के लिए हो गया, इन्होंने इसको पार्किंग बना दिया। आप देखिए पूरा लखनपुर से ऊपर का पूरे एरिया का एकमात्र रोड जो है रानीखेत रोड है, जिस पर ये पूरा फुटपाथ है, और यहाँ पर आम नागरिक स्कूल के बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को आने जाने में इतनी परेशानी होती है, आप लगाइए कि अगर रोड पे ये लोग चलते हैं तो आए दिन कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई गाड़ी वाला इनको टक्कर मार देता है, और कई एक्सीडेंट मेरे आंखों के सामने यहाँ पर हुए हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर नैनीताल में 23वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जहां इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की। वहीं इस दौरान परिवहन कार्यालय ने रोड सेफ्टी को लेकर रैली निकाली। आपको बता दें कि देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में भी 4 से 10 फरवरी तक चलने वाले 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का उत्साह देखा जा सकता है, जिसमें पहले दिन विभिन्न स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाकर नागरिकों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं परिवहन अधिकारी शशि दुबे ने बताया कि यह कार्यक्रम 4 से 10 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवहन विभाग स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उत्तराखंड के चमोली पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों के साथ मीडिया से सहयोग करने की अपील की गई, जहां पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा इन दिनों चौपाल के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पौड़ी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा और नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, जहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने देवप्रयाग से आ रही ऑल्टो गाड़ी से अंग्रेजी शराब बरामद की। जानकारी के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। तो एक गाड़ी देवराय की तरफ से आ रही थी बड़ी तेजी से, हमने उसे रोकने का प्रयास किया तो
तो एकदम वो पिछले मोड़ने लगा, मोड़ नहीं पाया, हमने उसको पकड़ लिया। उस गाड़ी से ऑटो कार है, उसे हमने 3 पेटी शराब पकड़ी हुई। ठीक है, क्या कार्रवाई की गई? उसमें दिखा गया है और उसको उत्तराखंड के हरिद्वार में रुड़की डिवीजन में तैनात अधिशासी अभियंता को नशे में अपनी पिस्टल लहराना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि शनिवार रात पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक सरकारी आवास में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की एक पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी अधिशासी अभियंता सतवीर यादव भी मौजूद था। आरोप है कि शराब पीने के बाद आरोपी अधिशासी अभियंता ने क्षेत्र में जमकर बवाल मचाया और पिस्टल निकालकर लोगों के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। के अधिशासी अभियंता है, इन कोतवाली में तहरीर दी गई थी इनके विरुद्ध, तो उस पर जांच की जा रही है और जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ऐसा माना जा रहा था कि शराब के नशे में लाइसेंस से पिस्टल भी बरामद हो गया, ऐसा कुछ मामला था? इस तरह का संज्ञान में मैटर आया, उनकी लाइसेंसी जो पिस्टल है उसको पुलिस ने सीज किया है और उस पर ही अनुसार ही उसके विधिक कार्रवाई की जा रही है। गांधी के चित्र पर गोलियां चलाने को लेकर पूरे देश में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मामले पर सोमवार को देहरादून में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने महात्मा गांधी का अपमान किया है जो कि निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने अपमान करने का काम किया है, निश्चित रूप से आज उससे पूरा देश उद्वेलित है। इतने दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई ना किया जाना खेदजनक है। ऐसा लगता है कि सरकारें ही ऐसे तत्वों को जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में इस देश की आज़ादी की जंग लड़ी गई। अगर हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बापू के पुतले पर गोली चलाकर जलाने के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और महासभा के राष्ट्रीय सचिव का पुतला फूंका। कानपुर के लठोरा के अंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आसिफ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह देशभक्त भारतवासियों का अपमान है। कांग्रेस सेवा दल हमेशा की तरह विरोध करती रहेगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 30 जनवरी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने, उसके राष्ट्रीय सचिव पूना शकुन पांडे जी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके फोटो पर जिस तरह से गोली चलाकर उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया है और महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे जी को माल्यार्पण कर उनको फूल समर्पित किए हैं। उसके विरोध में कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू राष्ट्रीय महासभा का पुतला दहन किया है, उसका विरोध है। कांग्रेस वालों का यही नारा है, कितने गांधी मारोगे, हर घर से गांधी निकले। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस सेवा दल ने आरएसएस और हिंदू महासभा के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का गांधी जी की फोटो पर गोली चलाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता खफा नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए।
लखनऊ में कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सब कुछ उल्टा हो रहा है और सिर्फ तानाशाही चल रही है। एमएलसी का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को टॉय पिस्टल से गोली मारकर उसे दहन करने के मामले में आरोपित अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कथित राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और उनके पति को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में निरंकुश होकर एक संस्था के लोग गांधी जी की प्रतिमा पर गोली मार रहे हैं, ये अस्पष्ट हो गया है। अभी भी उन विचारों में गांधी जी के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, जिस विचार को लेकर आज के ही दिन आरएसएस पर पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस पार्टी आज मांग को लेकर बैठी है, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके किसी नेता पर जब काला झंडा दिखाया जाता है तो उसे राष्ट्रद्रोह जैसे बड़े बड़े धाराओं में जेल भेजते हैं। गांधी जी की प्रतिमा बनाकर सरेआम गोली मारी गई, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और अभी तक अपराधी सलाखों से बाहर हैं, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी आज मान को लेकर बैठी है, उन अपराधियों को जिन्होंने गांधी जी का अपमान किया है उन्हें तत्काल राष्ट्रद्रोह जैसे बड़े मुकदमों में जेल भेजा जाए, उनके ऊपर सख्त। पूर्ववर्त भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना में खुसर विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा भामाशाह योजना का लाभ देने की मची होड़ की सही जांच करवाने के साथ ही फर्जी ऑपरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले निजी अस्पतालों के मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, भामाशाह योजना से फायदा कम, नुकसान सरकार को ज्यादा हुआ है, फायदा तो चंद लोगों को हुआ। ये सही है कि भामाशाह योजना अगर धरातल पर आ जाती और उसका संपूर्ण जो गाइडलाइन है वो अगर पूरी की जाती तो आमजन को फायदा होता, लेकिन वो किया नहीं जाता। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भामाशाह से जुड़ने की होड़ मची है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और एक एक ऑपरेशन के नौ नौ बार करके पैसा उठा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो माफिया पनप रहा है राजस्थान के अंदर, इन्होंने भामाशाह के नाम से करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व का नुकसान राजस्थान की सरकार को किया है। जितनी भी सरकार रही है, एक तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की योजनाओं को देखें और एक वसुंधरा राजे की योजनाओं को देखें तो रात दिन का उसमें आपको फर्क मिलेगा। अशोक जी ने जब भी काम किए हैं सार्वजनिक हित के अंदर काम किए हैं। वसुंधरा जी को ये जो भामाशाह के ऊपर कोई योजना, ठीक है लाए आप जो भी सरकार लाएगी नई योजना, लेकिन उनको अपनी फोटो। जयपुर अपने पर्यटक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां पिंक सिटी को देखने के लिए न जाने लोग कहां कहां से आते हैं। लेकिन इसी शहर में आज एक जगह ऐसी भी है जो बदलते वक्त के साथ सुनी होती जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जयपुर जू एक ऐसी जगह जहां पर पर्यटकों का तांता लगा रहता था, जहां पर लोग दूसरे शहरों से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी जानवरों को देखने आते थे। लेकिन जब से लगभग सभी बड़े जानवरों को नारगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है, यहां पर पर्यटकों को कुछ निराशा प्राप्त हो रही है। और यही जानने आज न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है जयपुर जू, और हम देखेंगे कि पर्यटकों को किस प्रकार निराशा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है तब से ही जीव जंतु और वन्य जीव इस प्रकृति का अहम हिस्सा बने हुए हैं। दुनिया भर में एनिमल लवर्स के लिए कई जू बनाए गए हैं। इन्हीं सब के बीच एक बेहद खास जगह है जयपुर जू, जिसे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। 1887 में जयपुर शहर के बीचों बीच स्थापित हुए इस जू में कोई शेर, चीते तो कोई भालू को देखने यहाँ आता है। क्रेज ऐसा है कि टिकट लेने के लिए कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन जब से सभी जानवरों को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है तभी से पर्यटकों की संख्या में काफी निरंतर कमी आती नजर आ रही है। देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ आते पर्यटकों का। भाई हमने बहुत सुना था चिड़ियाघर के बारे में कि बहुत से जानवर है यहाँ पर, बड़े छोटे, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है सारा, ना कोई शेर है ना कोई चीता है ना कुछ नहीं है यहाँ, तो कोई छोटे बड़े जानवर एक दो देखे।
हम तो ऐसे देखे भी चिड़ियाघर देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत से जानवर है, बहुत अच्छा जगह है वहाँ देखने के लिए, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमने अभी लॉयन नहीं देखा, लॉयन नहीं मिल रहा है, टाइगर नहीं मिल रहा है। हम कश्मीर से हैं, स्पेशली इसके लिए आए। बड़ा सुना था हमने जयपुर के बारे में कि यहाँ पे लॉयन है, तो ऐसा कुछ नहीं हमें लगा। इस जू के बारे में सुना था कि यहाँ पे हमें लॉयन मिलेगा जयपुर के जू के बाद, बता दो। बट वी हैव नॉट सीन। पहले यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, यहाँ पे शेर भालू सब थे। इवन यहाँ पर इजी अवेलेबिलिटी है सब चीज़ों की, कन्वेंस इजी है यहाँ पे आने का, लेकिन फिर भी पता नहीं इन लोगों ने वहाँ पे कहीं और शिफ्ट कर दिया नागर सेंटर में इन्होंने। और पहले जो मज़ा था वो अब एक्चुअली नहीं है यहाँ पे, अब थोड़ा सा काफ़ी कम है। अब ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी है, बच्चों को आना पसंद है इसलिए लेके आए हैं, बाकी तो और पहले ऐसी बात नहीं रही है इसके अंदर, अब इस जू के अंदर। और अलावा उसके इतनी सारी सुविधाएँ भी नहीं है जो पहले एनिमल्स के लिए थी, सब फैसिलिटीज़ थी, अब इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं दिख रही यहाँ पे इतनी। इवन यहाँ पर एक अट्रैक्शन जो ऑस्ट्रिच है वो ज़रूर ऐड किया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी तो पहले वाली बात नहीं है। लगातार बढ़ते इस ठंड के मौसम में वन्य जीवों के इंतजाम और जयपुर जू के लिए बदलते क्रेज के बारे में हम पहुंचे यहां के उप वन रक्षक सुदर्शन शर्मा से बात करने। देखिए क्या कहना है उनका। देखिए, रामनेस गार्डन और अल्बर्ट हॉल के पास आने से यहां पर टूरिस्ट की संख्या कम नहीं हुई है। ये जरूर है कि क्योंकि एनिमल्स इतने चले गए तो हमने इसकी रेट 50 से 20 रुपीज़ कर दिए और संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जहाँ तक नारगढ़ का सवाल है, वहाँ पर अभी लास्ट ईयर 4.5 लाख लोग एक साल में आ रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ पहुँचने से पर्यटक कम हुए, लेकिन वहाँ पर वहाँ जाने से भी पर्यटकों की संख्या वहाँ पर भी बढ़ रही है। जयपुर जू में हो रहे बदलावों को आज हमने बेहद करीब से जानने की कोशिश की। हमने देखा कि देश विदेश से आए पर्यटकों को बेहद निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सिलसिले में जब हमने यहां के अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जानवरों को वहां शिफ्ट उन्हीं की सहूलियत के लिए किया गया है, लेकिन अब जानवर ही नहीं बल्कि पर्यटक भी गिने चुने यहाँ पर रह गए हैं। कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ मैं लवीना राज, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।